गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करते हैं न्यू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कल तक हम लोग बात किए थे सेट और रीसेट के बारे में, और हम लोग जाने कि सेट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है और रीसेट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में देखें कि सेट बिट फाइल इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है और रीसेट बिट फाइल इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंस्ट्रक्शन के बारे में, और वो है एसआर लैच और आरएस लैच। देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, करता है, इवन इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इनपुट हम ड्रैग करके ले आएंगे दो अलग अलग नेटवर्क में ऐसे करके, और यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करते हैं कि एक एसआर लैच को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इससे एक आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर से हम आरएस लैच को ले आते हैं और एक आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद में हम इसका एड्रेस यहाँ पे सबसे पहले देंगे। तो यहाँ पे जो एड्रेस हम दे रहे हैं वो एड्रेस देंगे i0.0, ठीक है, यहाँ पे एक एड्रेस दिए। और इसके बाद में हम क्या काम करेंगे, i0.0 देने के बाद, तो यहाँ पे आ करके 0.0 देने के बाद में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिए, और एड्रेस देने के बाद में यहाँ पे भी एक एड्रेस दे देते हैं ऐसे करके i0.1, यहाँ पे एक और एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, 0.1। और यहाँ पे रीसेट पे एक एड्रेस दे देते हैं i0.2, यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं i0.2, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस देते आउटपुट का एड्रेस देते हैं q0.0, एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आ करके हम एक और एड्रेस लेते हैं i0.3, यहाँ पे एक और एड्रेस लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं i0.4, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं एड्रेस i0.5, एक ऐसे एड्रेस ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस देते हैं q0.0। सब जगह पे ऐसे अलग अलग एड्रेस दे दिए हैं इनपुट आउटपुट का। जब इसको एड्रेस हम यहाँ पे दे दिए हैं, तो इसके बाद अभी क्या करेंगे हम एड्रेस देने के बाद में, कि यहाँ पे आ जाने के बाद में हम एक बार कंट्रोलर को जस्ट रेडी होने देते हैं, ओके, ठीक है। जब सब यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं, इसके बाद में यहाँ से कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद में इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो मेरा पीएलसी अभी एक्टिव नहीं हुआ है, पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में ओके यहाँ से लोड करेंगे। लोड करने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गो ऑनलाइन करते हैं, और जैसे ही आपका ये सॉफ्टवेयर आप प्रोग्रामिंग आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे एक है आपका गॉगल्स का सिंबल है जो आपको प्रोग्राम का स्टेटस को दिखाता है कि वेदर वो रन कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी देखिए दोनों इंस्ट्रक्शन है जो नॉर्मल कंडीशन में है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है कि i0.0 अभी क्या है, डीएक्टिवेटेड है। उसी तरीके से i0.3 भी डीएक्टिवेटेड है, राइट। और इसका जो आउटपुट है, मतलब i0.0 से जो आउटपुट कनेक्टेड है q0.0, है ना, वो भी अभी ऑफ है, सब कुछ अभी नॉर्मल है। तो अगर यहाँ पे आकर के आप देखना चाहते हैं कि एसआर लैच कैसे काम करता है, तो ध्यान से देखिए इसमें, इस इंस्ट्रक्शन में जो एस है उससे आपका स्विच कनेक्टेड है, और आर है उससे आपका जो एक एड्रेस है उसको जस्ट दिया हुआ है। मतलब ए आपका यहाँ पे देखिए, ये क्या है, मेन है, और ये क्या है, ऑप्शनल है, रीसेट है आपका ऑप्शनल है यहाँ पे, इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे भी नेटवर्क बना सकते हैं, नो इशू, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि ये एसआर है और ये आरएस है, तो यहाँ पे आर जो है वो मेन है और यहाँ पे सेट जो है वो ऑप्शनल है, इस तरीके से। और इसमें दो हम लोग अलग q0.0 और यहाँ पे आकर के एक मिनट इसको ऑफ करते हैं थोड़ा सा, और ऑफ करने के लिए यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो q0.1 है, q0.105 ले लिए थे, ठीक है ना। फिर से इसको किए और यहाँ पे इसको जस्ट अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद में फिर से हम लोग गो ऑनलाइन में चले जाएंगे यहाँ पे, या गो ऑनलाइन में, और इसके बाद एक बार जस्ट प्रोग्राम स्टेटस को ऑन कर देंगे, ठीक है। जब प्रोग्राम स्टेटस को ऑन करेंगे तो इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो स्विच i0.0 को प्रेस करना होगा, i0.0 को,
हाँ ओके, चलिए देखा जाए। तो अब यहाँ पे आकर के हम लोग जब सारा एड्रेस को दे दिए, क्योंकि ये जो SR आपका रजिस्टर लैच है वो क्या है, वो 1 बिट एक मेमोरी है, इसलिए यहाँ पे इसका एड्रेस दिए क्या मेमोरी का। और ये जो आपका SR लैच है ये भी मेमोरी है, दोनों क्या करता है, एक एक बिट डेटा को स्टोर करता है, इसलिए क्या कि दोनों को एक मेमोरी एड्रेस दिए। और इसको हम कनेक्ट किया है 0.0 से, ठीक है ना, इसका सेट को, और रिसेट को कनेक्ट किया 0.1 से। उसी तरीके से यहाँ पे SRS लैच का जो इनपुट है 0.2 से कनेक्ट किया और 0.3 से। तो I0.0 को एक्टिवेट करते हैं, I0.0 को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या स्टेटस होता है। ओके, तो जैसे ही एक्टिवेट किए तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो मेमोरी बिट है वो सेट हो चुका है, और सेट होकर के क्या क्या है, आउटपुट को ऑन किया है, ठीक है ना। और इसमें देखिए, अब यहां से समझिए कि ये जो आउटपुट मेरा है वो सेट प्रॉपर्टी का नहीं है, लेकिन हम एक लैच इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं। तो इस लैच इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक बार अगर इसको एक पल्स मिलता है इवन फॉर ए टाइमिंग, तो वो उस पल्स को क्या करता है, रिटेन करके रखता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या किया है, रखा हुआ है। तो यहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो सेट और रीसेट कॉइल था, या सेट बिट या रीसेट बिट जो मतलब कॉइल था, और ये जो RS लैच है, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है वहां पे जो सेट रीसेट था उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग आउटपुट को लैच कर रहे थे, है ना, जबकि यहाँ पे RS लैच में और SR लैच में क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट नॉर्मल बिहेवियर वाला है, और जो मेन जो आपका यहाँ पे ये है इंस्ट्रक्शन है वो लैच हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको हम रीसेट करके दिखाते हैं। तो रीसेट करने के लिए हम प्रेस करते हैं I0.1 को। I0.1 को जैसे ही प्रेस करेंगे, तो जैसे ही उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करना है कि जब इसको I0.1 को प्रेस किए हैं तो ये रीसेट हो गया है। उसी तरीके से अब यहाँ पे आकर के अब देखते हैं इस RS लैच को, तो यहाँ पे I0.2 को प्रेस करते हैं। I0.2 को प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि I0.2 रीसेट से कनेक्टेड है, तो बिगिन में कुछ नहीं होगा। अगर इसमें इफेक्ट देखना है तो प्रेस किसको करना है, I0.3 को प्रेस करिए, I0.3 को प्रेस करें। देखिए मतलब यहां पे क्या है, जो SR लैच है और RS लैच है, ये दोनों क्या है, एकदम एग्जैक्टली काम कर रहा है, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहा है ना। मतलब ये भी एक आउटपुट को सेट कर रहा है, और ये मतलब SR लैच भी एक आउटपुट को सेट कर रहा है और RS लैच भी एक आउटपुट को सेट कर रहा है, बट दोनों में फर्क इतना है कि यहां पे जो है S मेन से कनेक्टेड है और यहां पे R मेन से कनेक्टेड है। मतलब अब इसको अगर RS लैच में अगर आउटपुट को हमको रीसेट करना है तो पावर सप्लाई किसको देंगे, रीसेट को, और इसमें भी हम लोग पावर सप्लाई रीसेट को ही दे रहे थे जो कनेक्टेड था उस मतलब कनेक्टेड आउटपुट को ऑफ करने के लिए, है ना। बट क्या है कि एक मेन में कनेक्टेड है, एक ऑप्शनल में कनेक्टेड है। मतलब क्या है कि अब अगर हमको इसको ऑफ करना है तो I0.2 को प्रेस करते हैं, है ना, तब तो देखिएगा कि आउटपुट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन था SR लैच और RS लैच का, और इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ किए हैं। और अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको एक बार दिखा देते हैं किट पे, और इसके बाद हम लोग जस्ट फिनिश करते हैं। ओके, एक मिनट, चलिए। ओके नमस्कार, फिर से देख लीजिए, हम लोग आज हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं किसका, इस SR लैच का और RS लैच का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, मतलब SR लैच का। सबसे पहले हम लोग SR लैच की बात करते हैं। तो SR लैच में जो मेरा इनपुट है वो I0.0 और I0.1 है। अब इसमें देखना है कि I0.0, तो जैसे ही हम यहाँ पे I0.0, क्योंकि ये देखिए ये मेरा स्विचेज है जो हम यहाँ पे PLC में कनेक्ट किए हैं, और यहाँ से कुछ आउटपुट लेकर के यहाँ पे बल्ब पे कनेक्ट किए हैं, और उस चीज को देखने के लिए बस यहाँ पे देखते हैं कि जो लैचेज इंस्ट्रक्शन है वो कैसे काम कर रहा है। तो I0.0 को जैसे ही देखिए एक्टिवेट कर रहे हैं तो एक आउटपुट है यहाँ पे ऑन हो चुका है, जबकि इनपुट को देखिए छोड़ चुके हैं, इनपुट को छोड़ चुके हैं। तो इस जो लैच का प्रॉपर्टी होता है, जो भी लैच इंस्ट्रक्शन है, जैसे इवन हम लोग फ्लिप फ्लॉप में पढ़े हैं लैचेज इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप, है ना, फिर फ्लिप फ्लॉप के बाद हम लोग पढ़ते हैं मतलब काउंटर रजिस्टर, इस तरीके से। तो इस सब का प्रॉपर्टी होता है कहीं ना कहीं आउटपुट को क्या करना, होल्ड करना, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसको होल्ड करके रखना। उसी तरीके से देखिए हमने इनपुट दिया, एक क्लॉक दिया, और ये आउटपुट को क्या कर रहा है कि होल्ड करके रखे हुए, कब तक, जब तक कि उस इन मतलब आउटपुट को हम लोग रीसेट ना करेंगे। मतलब रीसेट करने के लिए भी क्या करना है, हमको एक पल्स देना है, और वो पल्स हम लोग किससे देंगे, I0.1 से। जैसे इसको हम लोग प्रेस करते हैं I0.1 को, देखिए वो आउटपुट ऑफ हो चुका है। तो ये जो फंक्शन था हमारा
एसर लैच का फंक्शन था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे आरएस लैच का। और आरएस लैच का काम क्या है भाई, इसका जस्ट एसर लैच जैसा ही, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एसर लैच जो है आपका मतलब इंस्ट्रक्शन है, वो एस जो होता है वो आपका मेन बिट से कनेक्टेड होता है, और आर जो होता है एक ऑप्शनल बिट से कनेक्टेड होता है, मतलब रीसेट। बट इस आरएस लैच में क्या होता है कि आर जो होता है आपको मेन बिट से कनेक्टेड होता है और एस जो होता है वो ऑप्शनल बिट से कनेक्टेड होता है, बट काम दोनों आइदर वेज करता है। आप एक के बदले में दोनों मतलब एक के बदले में आप दूसरे को यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस इंस्ट्रक्शन को यूज करके कैसे काम कर लेते हैं, राइट। तो दूसरे को देखते हैं, अब यहाँ पे दूसरा का आउटपुट है I0.3। तो देखिए जैसे ही I0.3 को यहाँ पे प्रेस किए हैं तो ये दूसरा आउटपुट ऑन हो चुका है, और जैसे ही फिर से हम लोग इसको आकर के रीसेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कैसे उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, चाहे तो सेट एसर लैच का यूज करके या आरएस लैच का यूज करके, ठीक है। तो आज के क्लासेस हम लोग फिर से यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी सजेशन जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन यू ऑल।